हेलो दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी स्टेप मदर से अट्रैक्ट हो जाता है। उस लड़के के दिल में उसकी स्टेप मदर को पाने की चाहत इस तरह परवान चढ़ती है कि वे दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और लगातार गच्चो गच्चो करते रहते हैं और मज़े लेते रहते हैं। इस लड़के की इस पाप भरी कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। तो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होती है और हमें फॉस्को और उसके बेटे लिवियो को दिखाया जाता है। फॉस्को एक ट्रक ड्राइवर है जो उसके गांव में बनने वाले शराब को शहर तक पहुंचाने का काम करता है और लिवियो अपने फादर के इस काम में हेल्प करता है। फॉस्को की पहली पत्नी मतलब लिवियो के मदर को गुजरे काफ़ी बरस बीत चुके हैं। ये दोनों बाप बेटे ही एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन फॉस्को अपने से उम्र में छोटी और बेहद खूबसूरत तथा हसीन लड़की एना से शादी कर लेता है जो कि एक सिंगल मदर थी। यह सब लिवियो को अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जब लिवियो को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था तो वो अपने दोस्तों के साथ मटर गस्ती करने बीच पर चला जाया करता था। इंस्टेला नाम की लड़की लिवियो को पसंद करती थी पर लिवियो उसे भाव नहीं देता था। वहीं फॉस्को एना से शादी करके काफ़ी खुश था क्योंकि एना काफ़ी हसीन और जवान थी। एना के मखमली बदन फॉस्को को भी जवान और मजबूत बना दिया करते थे। इसी वजह से फॉस्को हमेशा एना को छोटे कपड़े पहनने के लिए बोलता था ताकि लोगों की नज़र सिर्फ उसी पर टिकी रहे और जिससे सारे लोग मजबूत हो जाएं। वहीं लिवियो काफ़ी र्यूड होने की वजह से गलतियां कर देता था जिसकी वजह से अब बाप बेटे में नहीं बनती थी। फॉस्को कभी भी लिवियो को डांट दिया करता था पर उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए एना को ही कुछ न कुछ करना पड़ता था जिससे उनका फैमिली हैप्पी फैमिली बना रहे। एना के सौम्य रूप को देख कर लिवियो भी एना के साथ घुलने मिलने लगा था। एना अपनी बेटी सेंटिना को लिवियो के साथ खुश देखकर एना समझ जाती है कि लिवियो अपने पिता से बिल्कुल अलग है और सेंटिना को उसके साथ रहना पसंद है। एक दिन फॉस्को अपनी पत्नी एना के साथ रेस्टोरेंट जाता है। उस रेस्टोरेंट में सबकी नज़र एना के गदराए बदन पर ही थी। फॉस्को ये बात समझ जाता है पर वो यह नहीं जानता कि लिवियो को भी एना का यह रूप पसंद है। लिवियो एक सेंसिटिव और किशोर लड़का है जो प्यार जैसी चीज़ों में मानता है। वहीं फॉस्को एक ऐसा जिस्म का भूखा हौसी है जिसे सिर्फ हवस मिटाने की चाहत है। ये World War II का समय था जब काफ़ी अमीर लोग भी मरे थे। उनके घर वालों ने कब्र को सोने चांदी से लाद कर दफनाया था। फॉस्को अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर कब्र से इन कीमती चीज़ों की चोरी करने का काम करता था। एक रात कब्र लूटते हुए फॉस्को और उसके दोस्तों को एक एंटीक पीस मिला जिसे पाकर वे लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि इसके बदले उन्हें बेहिसाब दौलत मिल सकता था। फॉस्को एंटीक पीस की तस्करी के लिए कुछ दिन के लिए वहां से सिटी जा रहा था। एना चाहती थी कि फॉस्को एक अच्छा पिता बने इसलिए उसने फॉस्को से कहा कि वो लिवियो को अपने साथ काम पर ले जाए पर फॉस्को ने ऐसा नहीं किया। जब फॉस्को कुछ दिनों के लिए सिटी चला जाता है तब लिवियो एना के बारे में और जानने की कोशिश करने लगता है और वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। एक दिन काफ़ी गर्मी की वजह से हर कोई पानी से खेल रहे थे पर खेल खेल में लिवियो और एना एक दूसरे के करीब आने लगे। इनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी। जब दूसरी औरतें लिवियो के अंगों को छू रही थीं यह देखकर एना को काफ़ी तकलीफ हो रहा था। दिन पर दिन लिवियो सेंटिना और एना के करीब आते जा रहा था। एना की बेटी सेंटिना ने तो यह भी सोच लिया था कि वो बड़ा होकर लिवियो से ही शादी करेगी और सुहागरात भी मनाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था पर तभी एक दिन सिटी से खबर आती है कि फॉस्को एंटीक पीस की तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉस्को का कहना था कि वो 3-4 दिन में रिहा हो जाएगा। एना फॉस्को के दोस्तों से मदद मांगने जाती है पर कोई मदद नहीं करता। कई दिन बीतने के बाद जब एना फॉस्को से मिलने जाती है तो पता चलता है कि फॉस्को को मारा पीटा गया है पर फॉस्को उसे रोते देखकर चिल्लाने लगता है और अगली बार अच्छे कपड़े पहन के आने को कहता है। एना यह सब सुनकर और रोने लगती है पर फॉस्को को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एना घर आती है तो देखती है कि यहाँ सब लोग लिवियो की बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। किसी को फॉस्को की कोई फिक्र नहीं थी जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। जब लिवियो उसे शांत कराने जाता है तब उसे पता चलता है कि एना किसी और बात से परेशान है। रात को पार्टी के बाद एना लिवियो की साफ़ सफाई में मदद करने आई थी तभी लिवियो इमोशनल होकर एना के साथ लिपट जाता है। लिवियो बहुत दुखी था कि उसके पिता हमेशा उसको उसके चाचा के जैसा पागल समझते थे। फॉस्को का मानना था कि जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण लिवियो के चाचा की बीमारी लिवियो तक पहुँची है पर एना बोलती ऐसा कुछ नहीं है, आजकल उनके विचार नहीं मिल रहे इसलिए फॉस्को ऐसा बोलते हैं। अगले दिन जब गांव की औरतें बाहर वाइन की पैकेजिंग कर रही थी
तो अंदर किचन में लिवियो एना की मदद कर रहा था। इसी बीच लिवियो की आंख में कुछ चला जाता है तो एना उसे निकालने लगती है। तभी एना को समझ आ गया था कि लिवियो उसे प्यार करता है। इसी बीच ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को बुरी तरह चूमने और चाटने लगते हैं। पर एना जानती थी कि ये नाजायज रिश्ता सही नहीं है, वो इस बात को भूल कर आगे बढ़ना चाहती थी। पर रात में इन दोनों को नींद नहीं आती, दोनों हवस की आग में तड़प रहे थे। रात में लिवियो एना के रूम के आगे खड़ा होकर काफ़ी बार एना को पुकारता है, पर एना लिवियो के साथ कुछ गलत न कर बैठे इसलिए खुद को रोक के हवस की आग में जलते हुए सो जाती है। और लिवियो तब एना के कमरे के बाहर ही सो जाता है। सुबह जब एना को यह पता चलता है तो उसने लिवियो को काफ़ी समझाया, मगर फिर भी लिवियो हर रोज़ एना को पाने की कोशिश करने लगा। अब एना लिवियो के इन हरकतों से परेशान होकर एक दिन उसे उसके बुआ के यहाँ भेज देती है। फॉस्को के जेल से न छूटने तक वहीं रहने के लिए कहती है। लिवियो और यहाँ रहेगा तो एना भी अपनी हवस के आगे हार जाएगी। ये सुनकर लिवियो खुश हुआ क्योंकि उसे पता चल गया कि एना भी उससे प्यार करती है, पर खुद को रोक रही है। अपनी बुआ के घर जाने के बजाय लिवियो अपने दोस्तों के पास जाता है और सब मिलकर ढेर सारी वाइन और गेम चुरा लेते हैं और बीच पर जाके खूब पार्टी करते हैं। कुछ वक्त बाद नशे में धुत लिवियो घर आता है और डोर न खुलने की वजह से विंडो तोड़ के अंदर एंटर कर जाता है। विंडो तोड़ने की वजह से उसके सिर पर काफ़ी चोट लग जाती है। एना उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है पर वो गुस्से में अपनी चाचा जैसे पागलपन करने लगा था। वो लगातार एक रट रच जा रहा था कि वह एना से प्यार करता है। इस हालत में देख के एना भी खुद को रोक नहीं पाई और एना ने ओलिवियो को वहीं रुकने के लिए कह दिया, जिसके बाद दोनों ने लगातार संभोग किया और उन दोनों ने लगातार गच्चो गच्चो करके अपनी काम वासना को पूरा किया। अगली सुबह जब वो फॉस्को से मिलने जेल जाती है तो फॉस्को को रोता हुआ पाती है। घर आने के बाद जब वो लिवियो के साथ गच्चो गच्चो कर रही थी तब उसे लगता है कि वहाँ कोई और भी है। तब लिवियो को पता चलता है कि एस्टेला उन दोनों को गच्चो गच्चो करते देख लिया है। ये सोच एना परेशान थी, पर लिवियो ने बताया कि एस्टेला गाँव वालों के लिए एक पागल लड़की है और उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सुनकर लिवियो के साथ खुशी से लिपट गई और खुशी से सहवास करने लगी। फिर एक दिन एक तूफान आता है और साथ ही साथ यह खबर भी आता है कि फॉस्को अगले दिन जेल से छूटकर घर आने वाला है, जिससे वह परेशान हो गई। परेशान होकर वह अपनी और लिवियो के बीच चल रहे इस नाजायज संबंध का खुलासा फॉस्को की बहन के सामने करती है। एना को उसके किए पर पछतावा था और वो फॉस्को को सारी बात बताना चाहती थी, पर फॉस्को की बहन ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया। फॉस्को के घर आने पर सब लोग खुश थे, बस तीन लोगों को छोड़कर, क्योंकि उन तीनों को फॉस्को का डर था। अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए जब फॉस्को बीच पर जाता है तो उसे एस्टेला मिलती है, जो उसे एना और लिवियो के नाजायज रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। सच जानने के बाद फॉस्को सारी रात शराब पीता रहा, फिर उसे घर लाया गया। वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं बात करना चाहता था, पर लिवियो को समझ आ गया था कि फॉस्को सारी सच्चाई जानता है और इसलिए एना को छोड़कर लिवियो घर से दूर आर्मी में चला जाता है। इसी तरह मूवी के अंत में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब लोग जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। वहीं लिवियो की मैरिज एनाटोला नाम की एक लड़की के साथ हो रही थी जो कि अच्छे घराने से थी, पर एना और लिवियो अब भी एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बात फॉस्को भी जानता था और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम था द सेकेंड वाइफ। यह एक इटालियन मूवी है। इसे 1998 में रिलीज़ किया गया था और इसका IMDb रेटिंग है 6.1 out of 10। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।